बात करते हैं जो अभी हरियाणा में चुनाव है उसकी रिजल्ट को लेकर हम बात करेंगे। जिस तरह हरियाणा में बीजेपी की सरकार दो बार थी और अब के तीसरी बार भी सरकार बनने जा रही, जो रुझान है रुझानों को लेकर ही हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ है हरियाणा के एनआरआई के प्रवक्ता पवन चोपड़ा जी। तो कहेंगे जिस तरह हरियाणा में तीसरी बार फिर भाजपा अपना पलड़ा भारी दिख रहा और सरकार बनाती जा रही। जी, ये तो पहले से निश्चित था कि सरकार तो भाजपा की बननी थी। ऐसा बीजेपी, अगर हम हरियाणा की बात करें, सरकार ने कौन सी ऐसी स्कीम वहां पे चलाई, लोगों को क्या लाभ दिए जिससे लोगों को फिर बीजेपी पे ही विश्वास हुआ? देखिए, बीजेपी ने अपने नियमों को और अपनी योजनाओं को बहुत अच्छे से अच्छा रखा है, जिस वजह से हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा प्रगति हुई है, सबसे ज़्यादा कार्य हुए हैं। आप अगर बात करते हैं प्रदेश में कि क्या क्या योजनाएं आई, उन योजनाओं के ऊपर मैं आपको छोटी बहुत ये कहना चाहूँगा कि किसान योजना, आप बिजनेसमैन के लिए योजनाओं को देखें, जो एमएसएमई यूनिट्स के लिए योजनाएं आई थी, जिनके अंदर बहुत सी पॉलिसियाँ आई और बहुत सा लाभ एमएसएमई यूनिट्स को मिले हैं। अगर हम बात करें चुनाव से पहले, उससे पहले कांग्रेस का बड़ा दावा था कि अब की सरकार हमारी होगी, मगर कुछ उल्टा नजर आया। बिल्कुल जी, ऐसा कभी भी ओपोजिशन ने हर बार गलत फहमियाँ कराने की कोशिश करी है और हर बार वो यही कोशिश करते हैं कि वो किसी तरीके से प्रदेश की जनता को गुमराह कर पाएं और साथ में ही गलत तरीके से वो लोग वेट ले पाएं गलत वादे करके। लेकिन भाजपा सरकार और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में अच्छे से अच्छा कार्य हो रहा है, अच्छे से अच्छे लाभ मिल रहे हैं प्रदेश की जनता को और आज जो है सरकार हमारी बीजेपी की बन रही है। क्या जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उन्हीं को दोबारा रिपीट किया जाएगा या फिर नया चेहरा आएगा? नहीं, बिल्कुल जी, नायब सिंह सैनी जी दोबारा सीएम बनेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जिस तरह दुष्यंत चौटाला जी की अगर हम बात करें, पिछली बार उनका भी बहुमत आपके साथ था और अब के अलग चुनाव लड़ा और मेरे हिसाब से ही कि दो सीट पे सीमित थे, इसमें मैं कोई भी आपको टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा इस मैटर में। तो हरियाणा की जनता की अगर हम बात करें, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हरियाणा की जनता ने एक बार फिर बीजेपी पे विश्वास किया, बहुत अच्छा किया। ये हमारी तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है और इस साल हम बहुत सी योजना लाएंगे जिससे कि बहुत लाभ पहुंचे प्रदेश में, प्रदेश में हर तरह से रेवेन्यू बढ़े, प्रदेश में हर तरह से प्रदेश की जनता को हर योजनाओं का लाभ मिल पाए। उन नौजवानों को या उन लोगों को क्या कहेंगे जिन्होंने बीजेपी को वोट देके अब के फुल बहुमत में सरकार बनाने का मौका तीसरी बार दिया? मैं उन प्रदेश के हर सदस्य का और स्पेशली उन युवाओं को का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ये सरकार दोबारा से चुनी है और ये सरकार अपना पूरा वादा करती है कि वो आगे नौकरियां लेके आएंगी, बहुत से बिजनेसेस लेके आएंगे, बहुत बड़े बड़े यूनिट्स आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ लगाई जाएंगी, जिससे कि रोजगार पैदा होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। चलिए, हमने यहाँ पे बात की जिस तरह हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को तीसरी बार वहाँ की जनता ने मौका दिया और मौके में जैसे हमारे साथ अभी प्रवक्ता जी थे, उन्होंने क्लियर किया कि वहाँ पर विकास की लहर और ज़्यादा आएगी। इसी विश्वास के साथ मेरे को लगता है कि हरियाणा की जो जनता है उन्होंने तीसरी बार मौका दिया और जिस तरह कांग्रेस वादा कर रही थी और जो उसके मैनोफेस्टो थे वे बिल्कुल फेल होते नजर आए। हर खबर से आजाद तोमर की रिपोर्ट।